हेलो प्यारे बच्चा पार्टी, और क्या हालचाल। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन लोग बेटा बात करेंगे, कॉमन रिएक्शंस हैं दो यहाँ पर, एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों ही इम्पोर्टेंट, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। नाइन्थ में भी ये रिएक्शन पढ़ने को मिलती है, इलेवेंथ में भी पढ़ने को मिलती है, बट ट्वेल्थ में भी है। लेकिन ट्वेल्थ में अगर अपन लोग बात करें तो पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन क्लास टेंथ में 100% पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। इसके एग्जांपल तो बेसिकली पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं लाइन खींच कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एंडोथर्मिक क्या होता है, EN मीन्स होता है बेटा आपका एनर्जी, और इसको हिंदी में बोलते हैं दो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है, एनर्जी देनी पड़ती है, उन सभी रिएक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक क्या होंगी, ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शंस में से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, बात समझ में आता है। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो हेडिंग लगा लो एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ये हेडिंग हो गई आपकी। उसके बाद करते हैं अपन लोग इस रिएक्शन की डेफिनेशन, फिर प्यारे प्यारे ढेर सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऐसी रिएक्शन जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग, हीट बोल सकते हो आप, एनर्जी भी बोल सकते हो, हीट भी क्या आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी भी लिख सकते हो, अलॉन्ग विद द, किसके साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, देखिए पहला एग्जांपल बढ़िया सा, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेसिकली सभी एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक है ना, तो ऑल रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस आपकी, कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो वही तभी स्टेबल होगा जब उसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, Mg+O2 AB कॉम्बिनेशन का ही है, यहाँ से बनेगा ट्वाइस MgO। ये क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया, व्हाइट पाउडर होता है ये Mg, और जब मैग्नीशियम के दबन को हम बर्न करते हैं द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो व्हाइट पाउडर मिलता है विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, अब ये हो गया आपका मीथेन, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब हम हीट करेंगे तो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, या बर्न करेंगे मीथेन गैस को, और यहाँ से निकलेगा आपका वाटर। बैलेंस कर दूँ इसको, तो चलिए बैलेंस कर दिया, प्लस एनर्जी, और इस एनर्जी का मतलब भी क्या है कि यहाँ से रिएक्शन हो रही है हमारी एक्सोथर्मिक। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, वो है आपका रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन होता है इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो क्यों होता है, हम सभी जानते हैं हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी के लिए हम फूड को खाते हैं, और खाने को जब हम खाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो खाना होता है बेसिकली चावल हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड यानी आटा वगैरह हो गया, वो सभी कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट हैं वो टूटते हैं छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में हैं, और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपनी बॉडी में अंदर जाकर किससे कंबाइन कर जाते हैं बेटा, ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अपनी सेल्स में, और क्या होती है सेल्स में जब वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो ऑक्सीजन क्या करती है हमें 38 ATP अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देती है, जो कि हम बोलें अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में उस एनर्जी को यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं तो C6H12O6
प्लस 6O2 बैलेंस ही मुझे याद है, तो ये होगी C6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये है आपका ग्लूकोज। तो ये मैंने यहाँ पर छोटा सा दे दिया, बट फिर कभी डिटेल में बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप सर्च करेंगे हाउ रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडिंग है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए समझिएगा, फिर अपन लोग एग्जांपल की बात करेंगे, और एग्जांपल इसके बहुत सरल है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी जो रिएक्शन कंप्लीट होते होते एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे, उसे अपन लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाइए अपन लोग एग्जाम्पल पर। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ही सरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस सब को पढ़ने के लिए आप लोगों को बच्चा पार्टी क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे और एग्जाम्पल आप सभी देख लेंगे, वीडियो में डाल दूंगा आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप वीडियो छोटा बेहद इम्पोर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे मार्क्स लेके आइए, फिर मुझे अपने मार्क्स जब भी पेपर हों आपके, वीडियो आप जब भी देखें तब मुझे बताइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।